हम फिर से आए हैं आपसे अपनी चाय शेयर करने, कुछ रेसिपी शेयर करने और कुछ बातें शेयर करने। तो चलो, तान हमारे साथ नहीं आ सकती है क्योंकि वो उनका मूड नहीं है। उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनसे चाय बन पाई है क्योंकि वीडियो में नहीं आ रही। तो क्या हुआ, चाय बनना काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो आज हम बना रहे हैं एग पराठा रोल। एग पराठा रोल जी, हाँ जी। अम्मी चले हम रेसिपी आए बदतमीजी मत करें। आप हमारे साथ नहीं आए, आपको ना चाय मिलेगी ना बिस्किट मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा मीठा बिस्किट है, मुझे इतना नहीं पसंद चाय के साथ। जब आप कैसे खा रही हैं? ओके गाइस, तो हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमने मैरिनेशन कैसे करनी है। उससे पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी मैरिनेशन में और एग पराठा रोल में यूज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्स लिए हैं, चिकन टिक्का मसाला लिया है, सिरका लिया है, मायोनीज़ है, केचप है। ये हमने आटे की डो बना ली है पहले से ही, आटा या मैदा जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम लोग चिकन ले लेंगे, उसमें हम लोग दही ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया और ये चिकन टिक्का मसाला एक चम्मच, ये जितना भी आप लोगों को यूज़ करना हो। ठीक है, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इसमें एक चम्मच जो है वो सिरका विनेगर ऐड कर देंगे और फिर इसको हाफ एन आवर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैरिनेशन हमने आप लोगों को दिखा दी थी। अब मैरिनेशन के बाद क्या करना है वो हम आपको दिखाते हैं। मैरिनेट हमारी हुए भी कितना टाइम हो गया है मान? आधा घंटा हो गया। हाँ, तो आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद हमने उसको डायरेक्ट फ्राई करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि फ्राई किस तरीके से करना है, कितना ऑयल लेना है, ये सब कुछ। ठीक है, ओके। तो ये रही मैरिनेशन वाली चिकन, अब हम इसको डालने लगे हैं फ्राई पैन के अंदर। ये हमारे पास दही बचा हुआ था जो कि हमने मैरिनेशन के वक्त यूज़ किया था, तो हम इसी दही में जो है अब हम लोग अपना मेयोनीज सॉस बनाने वाले हैं। तो मेयो डलेगा इसमें, और क्या डलेगा? हाँ, ये आप लोग कोई सा भी मेयोनीज जो आपको अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। कितने स्पून? ये जो है हम इसमें 5 स्पून डालेंगे। 5 स्पून इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। निकल नहीं रहा हिजाब मुझसे, काम चोर हो गई हैं आप। ये 3.5 क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा था, ये 4। सॉरी, दूसरा चम्मच डालते हुए कैप्चर नहीं हो सका, थोड़ा सा कैमरे का इशू आ रहा था। और ये टोटल हमारे 5। जब आपसे नहीं होगा आप एक जाना ज़रा सा फेंट के दिखाएंगे और बोलेंगे मैंने बनाई है पूरी रेसिपी। कोई नहीं, फेंटने में जो कर सकती हूँ एटलीस्ट वो तो कर रही हूँ ना। देखें कैसी हुई, क्या कहते हैं उसको, नाशुक्री औरत हैं ये। आई एम ट्राइंग, पूरी कटोरी हिल रही है, वही गलत बात है। लेकिन देखें कितनी कोई मज़े की थिक सी सॉस हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी नहीं रेडी हुई, नहीं हुई आए भी हैं वो बता रही हैं कि मैं भी आई हूँ। चिश चिश आवाज़ नहीं हो, मैं भी यही कहने लगी थी। अच्छा, अब ये हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं ईमान? हरा धनिया। हरा धनिया, पिसा हुआ हरा धनिया जो हमने के पीस लिया था, पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ। और क्या है इसमें? और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जस्ट लाइक हम लोग जो पुदीने की और उसकी चटनी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का है ये कि हमने इसमें दही के साथ बस मेयोनीज ऐड कर दिया, बाकी सारी वही चीज़ें हैं, है ना ईमान जी? बिल्कुल। साथ में साथ में सॉल्ट ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसका पानी जो है ना खुश करना है। अब इसके बाद हम इसको कोयला का दम दे देते हैं। ये देखिए बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो गया,
अच्छा, ये हमने इसमें चम्मच जो है वो रख दिया है ताकि हम कोयला रख सकें। लाइक दिस, क्या खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आ रही है, आप बताएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाने लगे हैं अंडों की मैरिनेशन में क्या होती है, अंडों का जो मिक्सचर बन रहा है। तो हमने कितने अंडे लिए? 6 अंडे ले लिए हमने। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च और नमक भी तो डालना है। नमक बिल्कुल हसबे ज़रूरत, हसबे जायका होता है, ज़रूरत होता है, जो मर्जी हो। इसके बाद दूध, इसके बाद हरी प्याज। मिक्सचर कलर्स का इतना कोई मज़े का लग रहा है ना, आप कच्चे खा जाएं। इसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे। ठीक है, नहीं ऐसे ही रहने दें। ईमान की हस्बैंड की कॉल आ गई थी तो इसलिए वो चली गई। और देखे आयत के कारनामे, आयत को बिल्कुल कोई काम नहीं था। बेट ढंगी और झूठ बोल रही है, मैं बहुत काम करती हूँ। असल में हमारी डो बहुत सॉफ्ट है, हमारी डो बहुत सॉफ्ट है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। लेकिन जब ये पराठे बनेंगे ना तो मेरे को अभी से सोच के मज़ा आ रहा है। गाइस देखें, हमने ट्रेन की लाइन बना दी है पूरी। पी पी अरे अब बिस्मिल्ला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीच का पार्ट उठाती हूँ मैं आप लोगों को ताकि इसकी फाइनल लुक दिखा सकूँ। आउच, मोटी गिर गई मेरी। यम। ओके, अब मेरी बारी है।
आप लोगों ने देख लिया कि हमारे रोल पराठे कैसे बने हैं, किस तरह के वो लग रहे हैं, और वो वाकई बहुत मज़े के हैं। और मैं खाने में इतनी गुप चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों से फ़ाइनल अलविदा कहने का याद भी नहीं है। सो मैं खाने में दोबारा मगन हो जाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को कह दूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं खाती हूँ और आपसे फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।